श्री राम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्मदिवस बसंत पंचमी, जो कि इस बार 26 जनवरी को पड़ रहा है। आज पोशाक बदली गई है सभी देवियों की, माँ गायत्री, महालक्ष्मी माता और इधर दुर्गा माता के एक साथ समग्र दर्शन और शयन के पूर्व के आज के दर्शन। जय बाबा, जय बजरंगबली। और ये अखंड ज्योति जलती हुई यहाँ, श्री राम जन्म बाबा की हेतु की कृपा, महाकाल की प्रेरणा, जिसने आज मुझे मानिक चौक, जो कि अबूस पहली बना हुआ था अब तक, उसके आज दर्शन कराए। ये हल्की लाइट में, कहते फसाड लाइट में जिस तरह से दिखता है उसी तरह की पोजीशन देखिए, ये गुरुदेव अपने। और ये जय माँ, जय माँ गायत्री। पांच कुंडी गायत्री महायज्ञ जो कि यहाँ आयोजित किया जाएगा दैनिक यज्ञशाला में, ये कार्यक्रम सवेरे झंडारोहण के बाद होगा। जय माता, जय माता। माता के दर्शन, जय माँ। कल सवेरे मंगला दर्शन बसंत पंचमी के दिन होंगे। जय महाकाल, जय गुरुदेव। बाबा ने आज एक और कृपा की कि अपने मंदिर में आरती करने के लिए, आरती जब हो रही थी मुझे आरती के दर्शन कराए। ये बाहर का व्यू, हल्का धुंध, वैसे यहाँ ओस बरस रही है या नहीं बरस रही है, लेकिन और जगह तो गुरुदेव ने ये कृपा कर ही रखी थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा पूरे रास्ते भर कि कहीं मौसम ख़राब हो। थोड़ा डराया ज़रूर एक दो जगह उन्होंने, जब मैं बाबा बागेश्वर धाम से बाबा के आरती के दर्शन और नगरिया जी से बात करने के बाद जब लौट रहा था, लेकिन यहाँ वास्तव में गुरुदेव अभी बरस रहे हैं। मुझे लगता है कि कल की तैयारी है। और ये यज्ञशाला जहाँ 24 कुंडी गायत्री या महायज्ञ हुआ था, अभी 2, 3, 4, 5 और ये सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा के दर्शन। बांके बिहारी मंदिर में अभी शिखर के दर्शन आज के। जय गुरुदेव, जय बाबा। हो सकता है कि कल इधर मौसम अच्छा रहे और दूसरे स्थानों में कुछ मौसम ख़राब रहे। यज्ञशाला बाहर का दृश्य, पट बंद हुए कल सवेरे तक के लिए। ये शिव परिवार साधना कक्ष, साधना का महत्व, ध्यान योग के लाभ, गायत्री कल्प वृक्ष, इसमें बताया गया है कि 9 चीज़ें क्या क्या इसमें, जीवन विज्ञान, शक्ति संचय, श्रेष्ठता, निर्मलता, दिव्य दृष्टि, सद्गुण, विवेक, संयम, सेवा। भारतीय धर्मशास्त्र कहता है जिनके पास ये 9 रत्न हैं वे कुबेर हैं, गायत्री मंत्र इन रत्नों की खान हैं।